जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने एक करंट का टॉपिक लेकर आया हूँ, फर्लो वर्सेस पैरोल। आप लोगों ने आजकल अभी न्यूज़ में सुना ही होगा कि फर्लो और पैरोल क्या है, आखिर क्या है ये इशू। मैं आज आप लोगों को डिटेल में इन दोनों को खास को डिस्कस करूँगा, आखिर कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और ये कौन सा हमारा राइट है, कौन हमारा राइट नहीं है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द टॉपिक फर्लो वर्सेस पैरोल। फ्रेंड्स, फर्लो एंड पैरोल ये दोनों जो है प्रिजन एक्ट 1894 के अंडर में आते हैं। दिस इज द कॉमन थिंग। फर्लो एंड पैरोल, जो फर्लो है फ्रेंड ये तब दिया जाता है जब कोई विक्टिम, उसको जब मतलब सज़ा हो गई और उसने अपनी सज़ा हाफ पूरी कर ली हो, तो उस टाइम ये फर्लो इशू किया जाता है। मतलब उसका राइट है, वो मांग सकता है, जब चाहे वो अपना फर्लो मांग सकता है। और ये हमेशा फर्लो उस टाइम ही दिया जाता है जब कोई विक्टिम को लॉन्ग टर्म की सज़ा दी गई हो, और एक साल में फ्रेंड मैक्सिमम 28 दिन कोई विक्टिम फर्लो ले सकता है, और एक टाइम में ओनली 14 दिन या 2 वीक हम कह सकते हैं वो फर्लो इशू होता है। फ्रेंड्स, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया, रिसेंटली न्यूज़ में आया अभी जैसे हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए थे, उस टाइम जो दुष्यंत चौटाला जी है उनके जो फादर थे अजय चौटाला जी, उनके ऊपर 2014 का एक केस था कि उन्होंने अराउंड 3000 इलीगल भर्तियाँ कराई थी टीचरों की, तो उसके लिए उनको जेल हुआ है, लेकिन उनकी जो सज़ा है वो हाफ पूरी हो गई है। और जैसे ही अभी रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन हुए, उसके जस्ट एक दो दिन के अंदर ही इन्होंने फर्लो के लिए अप्लाई किया, और उनके ये राइट है, और उन्हें फर्लो मिल भी गया और 14 दिन के लिए फर्लो पे बाहर आ गए हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेंड पैरोल, आखिर ये पैरोल क्या है और पैरोल कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो पैरोल है वो जो विक्टिम है उसका राइट नहीं है, लेकिन जब उसको लगे कि मुझे पैरोल चाहिए या कुछ इमरजेंसी होती है, तब वो उसके लिए अपील कर सकता है, और उसके लिए अपील वो हाई कोर्ट में ही अपील कर सकता है, ऐसे उसे पैरोल नहीं मिलता। इन केस ऑफ इमरजेंसी उसे पैरोल मिल सकता है, और इन केस ऑफ मतलब ज़्यादा ही कुछ इमरजेंसी हो, जैसे कई बार से हाई कोर्ट भी बंदा अपील नहीं कर सकता, जैसे छुट्टी होती है, इन सम सर्कमस्टांसेस, देन जो सुप्रिटेंडेंट होता है जेल का वो भी पैरोल इशू कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज के लिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो पैरोल है वो कब कब वो मांग सकता है, जब उस विक्टिम का राइट ही नहीं है तो पैरोल कब कब उसे दिया जाता है। तो फ्रेंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पैरोल दिया जाता है जब जो कोई विक्टिम है उसकी फैमिली कोई बीमार है, वो उससे मिलना चाहता है, तब वो दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड, जब कोई मान लो मेल पर्सन है और वो जेल में है, जब उसकी कोई वाइफ है, डिलीवरी का टाइम है, तब भी वो पैरोल के लिए इशू कर सकता है। जब कोई फ्रेंड उसके घर में मैरिज फंक्शन हो, तब भी वो, जी हाँ, तब भी वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। और कोई फाइनेंशियल रिलेटेड इशू हो, लैंड रिलेटेड इशू हो, तो उसके लिए भी पैरोल अप्लाई कर सकता है। अगर कोई सीरियस डैमेज हो थ्रू नेचुरल डिज़ास्टर के कारण, फैमिली में कुछ भी हुआ हो, तब भी पैरोल इशू कर सकता है, और एक्सीडेंटल डेथ हुई हो किसी फैमिली मेम्बर की, तब भी पैरोल इशू कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये था पैरोल वर्सेस फर्लो। वन लास्ट में, एक जो अभी रिसेंटली ये बेसिक नेशन जो उसकी मीटिंग हुई है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो पूछ सकते हैं कि कई एग्जाम में कि बेसिक आखिर है क्या। ये बेसिक नेशन फ्रेंड्स जो 4 न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है उनका बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में बना हुआ है, 18 नवंबर 2009 में, जिसमें 4 कंट्री है
ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। जो 2019 की मीटिंग हुई है वो हुई बीजिंग में, और किसके ऊपर हुई फ्रेंड? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड जब हम इन चार कंट्री को देख ही लिया है, तो इसमें से जो ये ब्राज़ील है ये एक ऐसी कंट्री है जिसे लाइन ऑफ इक्वेटर एंड लाइन ऑफ कैप्रिकॉन दोनों पास होती है फ्रेंड, और ये ओनली वन कंट्री है। सो इसलिए फ्रेंड आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। बाकी फ्रेंड आपको अगर वीडियो कैसा लगा उसके लिए मुझे फीडबैक दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।